शारदीय नवरात्रि का त्यौहार 17 अक्टूबर से आरंभ होकर 25 अक्टूबर तक नवमी तिथि पर समाप्त होगा। अश्विन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना और माता के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की आराधना के साथ नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। नवरात्रि पर घर घर पर देवी की उपासना, मंत्रोच्चार, हवन और आरती से माँ प्रसन्न की जाती हैं। नवरात्रि पर देवी माँ अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा रखती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर देवी माँ जिन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, उन्हें कुछ खास तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो संकेत। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर किसी को उसके सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपकी पूजा और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान रास्ते पर कहीं जाते वक्त अगर 16 श्रृंगार के साथ कोई महिला दिखाई दे तो समझिए आप पर माता की कृपा है। आने वाले दिन में आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नवरात्रि पर अगर सुबह सुबह किसी को नारियल या कमल का फूल दिखाई दे तो ये संकेत भी शुभ माना जाता है। गाय बहुत ही पूजनीय पशु है। हिंदू धर्म में गाय आस्था का बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि गाय के शरीर पर सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर नवरात्रि के दौरान मंदिर से निकलते वक्त आपको गाय के दर्शन हो जाएं, तो इससे शुभ संकेत और कोई नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शंख में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान सपने में किसी व्यक्ति को शंख दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और जीवन में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। आपको सपने में कोई छोटी कन्या सिक्का दे तो इसे भी बहुत शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। वही नवरात्रि के दिनों में अगर आपके सपने में आपको माँ लक्ष्मी जी स्वयं दर्शन दें तो ये समझ लें कि आपको धन लाभ होने वाला है। तो ये थी वो 7 चीजें जिसमें से अगर आपको कोई एक भी दिख जाता है तो वो भी बेहद शुभ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।